Welcome back to our program Face to Face. As again we are in the search of that very faces of the society who is believing in themselves to give their all assist for the development of the constituency along with all the people's concern to their regions and the cause what they need from their political and the social images of the society. In course of the dietary journey today we have invited our so important guest who have not the requirement of the any new identity as she had already given her assist in the legislative of the Delhi Assembly as an elected by the three time as the MLA from the Delhi posh area RK Puram. We will ask some of the important questions from Barkha Shukla Singh, is a very big name. She was also in the Women Commission of the Delhi and she had also given her very good response for the upliftment and the empowerment of the women. Today we will ask some of the important and the unique questions which will show us her inner idea for the society. मैम यू आर मोस्ट वेलकम फॉर आवर प्रोग्राम फेस टू फेस. हम लोग जानना चाहते हैं आपने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की कब कैसे से शुरुआत की एवं आपकी जो ये खासी लोकप्रियता इस इलाके में जो देखी जा रही है लोगों की आवाज़ बनकर जो बरखा शुक्ला सिंह उभरती हैं आपकी राजनीतिक और सामाजिक जीवन का शुरुआत कब से रहा मैम. देखिए मैं वैसे तो राइटर हूँ और मैंने किताबें लिखी हैं. लखनऊ में मैं पढ़ाती भी थी, लखनऊ से रहने वाली हूँ, वहाँ पे टीचिंग का भी मैंने जॉब किया. लेकिन मेरी शादी के बाद हम लोग यहाँ आए और उसके बाद में मेरे हस्बैंड अशोक सिंह जो यहाँ एमएलए थे, एमएलए पहली बार वो बने थे. उसके बाद मेरे बच्चे दोनों डीपीएस में पढ़ते थे. तो जब अशोक जी एमएलए बने तो चूँकि एक हम लिटरेरी बैकग्राउंड से आते हैं, लिटरेचर मेरा बेसिक वो है, लिटरेरी है, तो उसमें मुझे लगा कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए. क्योंकि उस समय मैंने अपना कवि सम्मेलनों में जाना ये सब चीज़ें बंद कर दी थी. तो मैंने मेरे बच्चों के डीपीएस में पढ़ते थे, वहाँ मिसेस चोना उन दिनों श्यामा चोना जो थी वो प्रिंसिपल हुआ करती थी. तो मैंने उनसे जाके एक रिक्वेस्ट करी कि मैडम ये हम क्यों नहीं हम ये जो झुकी झोपड़ी के बच्चे हैं इनको हम लोग आफ्टरनून शिफ्ट पे, स्कूल तो बार दो बजे एक बजे ख़त्म हो जाता है, तो हम क्यों नहीं इन बच्चों को आफ्टरनून शिफ्ट में एक एक्सपेरिमेंट करें और इन बच्चों को हम अपने यहाँ पढ़ाएं. एक एक तो ये होगा कि इनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और इन हमारी सोसाइटी का अपग्रेडेशन होगा, कहीं अपग्रेड होगी सोसाइटी. तो बोली कि उन्होंने बोला कि कोई बुरा आइडिया नहीं है और मैं बात कर लेती हूँ फिर बताती हूँ. तो उन्हें मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसके लिए हम लोगों ने मैं और मिसेस मंजू कुमार वो उस समय वहाँ वाइस प्रिंसिपल थी, हम लोगों ने आर के पुरम की सारी झुग्गी बस्तियों में कैंप लगा लगा के बच्चों को वहाँ पे निकाला, माँ बाप से रिक्वेस्ट करी. क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो झुग्गी के लोग होते हैं ये सोचते हैं इनको हमसे कुछ फ़ायदा है. तो हमने कहा हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम आपके बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं. तो उससे हमने रिक्वेस्ट करके जो था वो ये डीपीएस में आफ्टरनून शिफ्ट में हमने 400 बच्चों से लेके अनुभव शिक्षा केंद्र नाम का एक स्कूल शुरू किया. उसमें आप 400 बच्चे ही अंबेडकर बस्ती कनक दुर्गा और यहाँ के थोड़े बच्चे इधर के थे, वह उन दो बस्तियों के ज़्यादा थे. तो हमने 400 बच्चों से वो स्कूल शुरू किया और उसके बढ़ते बढ़ते उसमें हमने बहुत, उसमें हमारे साथ शबाना आज़मी भी थी, हमारे साथ कैफ़ी आज़मी साहब जो हमारे फादर के दोस्त थे, क्योंकि लिटरेरी माहौल से फैमिली से मैं आती हूँ तो उनका भी मेरे साथ ब्लेसिंग थी, वो इसमें हमारे साथ थे कि बहुत अच्छा काम है. जावेद साहब थे. तो इस तरह से करके अच्छे बड़े लोगों लिटरेरी लोगों को लेके हमने ये मुहिम चलाई और वो देखते देखते वो स्कूल जो था काफ़ी आगे बढ़ा. और उसमें फिर उसके बाद में डीडीए का एक क्रम है कि उसमें जब ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये डीडीए से लैंड लेते हैं तो इसमें एक वो है कि आप 25% गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे जो कि कोई स्कूल नहीं देता था. तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड चूँकि एमएलए थे तो इजीली उन्होंने
सारी चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट किया, स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में उसको हमने सब इकट्ठा किया। लेकिन वो फिर उस स्कूल हमारा बहुत 2,500 बच्चे हो गए हमारे पास, और 2,500 बच्चे मतलब यहाँ के झुग्गी बस्ती वसंत विहार के लोग रिक्वेस्ट करते थे कि बरका जी अपने स्कूल में मेरे बेटे का, मेरे सर्वेंट के बच्चे का एडमिशन करा दो। तो इस तरह से करके हम लोग ये 2,000 बच्चे हमने वहाँ पे कराए, और बच्चे पढ़ते रहे बहुत। बल्कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे थे उनमें एक जो हीन भावना पहले होती थी वो चीज़ ख़त्म हुई। उन बच्चों ने स्टे बैक करके वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, कभी कोई बच्चा पेंसिल बॉक्स दे रहा है, कोई बच्चा हम अच्छा हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। हमने क्या स्कीम निकाली कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे थे उनके पेरेंट्स से सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि आप लोग इनके जो पुराने 6 महीने के कपड़े होते हैं उनको ये फेंक देते हैं, तो आप उनको ड्राई क्लीन करें और रैप करके हमारे स्कूल को डोनेट कर दीजिए, बुक्स जो हैं पुरानी वो हमें डोनेट कर दीजिए। तो इस तरह करके वो हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम मुहिम चल चल गया और बहुत कामयाब रहे हम उसमें। तो मुहिम जो एक मुकाम को पाया। बिल्कुल उसको पाया। उसके बाद फिर वो अशोक जी का तंजावुर ख़त्म हो गया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। फिर चूंकि इस एरिया में मेरी बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी, चूंकि हम सारे एरिया में घूम घूम के मुझे शिक्षा समाज का रीढ़ है और हाँ आपने शिक्षा को ही आधार बनाया। आधार बनाया, और लोगों में एक मेरी बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं कवित्री हूँ, पोइट्रिस हूँ, पढ़ती भी हूँ, लिखती भी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा गा भी लेती हूँ, मतलब अपनी जी कविता को, जी तो लोगों में एक बहुत अच्छी कहीं ना कहीं मेरी इमेज बनी हुई थी। तो जब सर्वे हुआ और सब हुआ दोबारा इलेक्शन के लिए, तो ये शीला दीक्षित जी ने कहा कि बरखा को लड़वा दो, क्योंकि यहाँ से और कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता बरखा के अलावा। तो मैं तो पॉलिटिकल कतई थी ही नहीं, पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हाँ, था। लेकिन पॉलिटिक्स समाज भी तो सेवा आपके घर में था। घर में थी, पति में थी मेरे, समाज सेवा करना मेरा धर्म था, वो मैंने किया। तो मुझे टिकट मिला, और टिकट मिला और ईश्वर की कृपा से हम बहुत डबल बहुमत से हम जीत के आ गए, और जीतने के बाद फिर मैंने पलट के नहीं देखा। जी मैम, विधायक बनने के बाद आपके वो यादगार क्षण क्या हैं जो आप मतलब आज भी जनता के जहन में जिंदा है विकास देखिए, के कारण? लोगों लोगों का प्यार, और उनका प्यार, उनका उनका अपनापन जो था उसने ही मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा दी कि उन्होंने जैसे पूरे इलाके में, पूरे अपने आर के पुरम कॉन्स्टिट्यूंसी में काम, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने, जो पब्लिक ने, हम जा के पूछते थे, आप मसलन जैसे आपको कुछ याद आ रहा हो तो। जाके पूछते थे आप काम बताइए। जैसे कि सबसे पहले हमने वाटर टैंक बनाया बसंत गांव में, क्योंकि वहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, बसंत विहार में भी प्रॉब्लम थी, तो हमने वाटर टैंक यहाँ पे UGR बनाया। उसके बाद हमने सबसे पहले गांव में मुनीरका गांव, ये सॉरी बसंत गांव में पीछे प्रजापतियों की चौपाल, तो उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने, कहा कि आप लोग इधर उधर टेंट लगाते हो, शादी करते हो, ये जगह हमें दे दीजिए, आप हम यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे से चौपाल बना के आपको देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सरकार ले लेगी और हमें फिर मिलेगा नहीं। मैंने कहा आप मेरे पे भरोसा रखो ना। फिर मैंने वो चौपाल बनवाई, बनवा के बाकायदा बहुत बड़ा फंक्शन किया और चाबी वहाँ के प्रधान को सौंपी। उसके बाद मैंने बसंत गांव में ही डिस्पेंसरी बनवाई, जो आज भी है, जिसपे आम आदमी पार्टी ने अपना वो खोल रखा है, जी जी क्या उनका मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने अपना मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है। उसके अलावा मुनीरका गांव में पानी की इतनी दिक्कत थी, वहाँ पे हमने UGR बनाया। मुनीरका गांव में जहाँ के कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई जा ही नहीं सकता, उस गांव में मैंने 4 चौपाल बनवाई, 5-स्टार टाइप चौपाल, जैसे 5-स्टार होटल होते हैं, प्रजापतियों के चौपाल, वाल्मीकियों के चौपाल, और उधर जाटों की चौपाल, और एक छोटी और वाल्मीकियों की चौपाल। मैंने इतनी मुश्किल था, कोई वहाँ काम लेने को तैयार नहीं था। मैंने एक इंजीनियर थे, एक ठेकेदार था, मैंने उसको कहा भैया आप कैसे भी करके मेरा काम कर दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ पे गधों पे ढो ढो के सामान जाता था, और वो चौपालें मैंने बनाई जो आज भी वहाँ पे बनी हुई हैं, और लोग शादियाँ करते हैं, फंक्शन करते हैं, और मेरा नाम वहाँ लगा हुआ है। उसके अलावा हमने
CPWD कॉलोनी, 40 साल से इस कॉलोनी में पानी नहीं था। रात के 1-1 बजे अशोक जी टैंकर पे बैठ के खुद जाते थे पानी लेके। हर साल हमारा काम था ये कि हम उनकी महिलाओं को सीबीआई कॉलोनी की औरतें और हम लोग सब धरने पे बैठते थे प्रिया सिनेमा के सामने कि पानी नहीं है। तो उस जब हम एमएलए बने तो मैं जल बोर्ड वालों का भी शुक्रिया कहूँगी कि उन्होंने, उस ज़माने के लोग जो थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने कॉलोनी को पानी दिया। आज आप जाके देखिए उस कॉलोनी में, आप टैप खोलेंगे किसी वक्त भी खोलें और पानी आपको आता हुआ मिलेगा 4 मंजिल तक। सीबीआई, सीपीडब्ल्यूडी, 4 उसमें कॉम्प्लेक्स हैं सब में। ऐसे ही हमने एयर इंडिया कॉलोनी में जो टैंकर से खरीद के पानी पीते थे उनको हमने पानी दिया। यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, उस जमाने में जो सीईओ थे, जो चीफ इंजीनियर थे, उन लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया, सबने बहुत अच्छी मदद करी, उसको हमने करवाया। फिर यहीं पे सीपीडब्ल्यूडी में एक डिस्पेंसरी बननी थी जो बहुत ही इम्पॉसिबल काम था, दिल्ली गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं। उसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कृषि भवन में मेरे पैर टूट गए, एड़ियाँ रगड़ गई कि जब, मगर सब लोगों ने मेरा साथ दिया, चूँकि जनता मेरे साथ थी, लोगों का प्यार हमारे साथ था, तो लोगों ने देखा कि बहुत मेहनती औरत है और मेहनत कर रही है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके, मैंने वहाँ के जो इंजीनियर थे उनसे, आईएएस अफसर थे मेन, जो उनसे बात करी, उन्होंने बहुत अच्छे, गोयल साहब थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पूरा मेरे सामने नक्शा रखा और उस पर उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, ये हमारा CPWD का ये नक्शा है, मैप है, और इस पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिस्पेंसरी तो है मगर लैंड नहीं है, और कहीं पे लैंड है तो डिस्पेंसरी नहीं है। मैंने कहा सर आप किसी भी तरह से करके हमें लैंड, हमारे यहाँ है सिर्फ डिस्पेंसरी आनी है, लैंड हमारे यहाँ ऑलरेडी है। वो मल्होत्रा जी ने एक ज़माने में वहाँ पे, नहीं मल्होत्रा जी नहीं, सुषमा स्वराज जी जब पहली बार एमपी बनी थी तब उन्होंने वहाँ पे उसका लेआउट किया था, नारियल फोड़ा था जी। तो वो फिर उन्होंने, चूँकि इलेक्शन फिर बाद में ऐसे ऐसे करके निकल गया, इलेक्शन भी आ रहे थे, तो मैंने भाग दौड़ करी और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में एक क्वार्टर में मैंने, चूँकि बिल्डिंग तो बन नहीं सकती थी इतनी जल्दी, तो मैंने एक क्वार्टर में जो था वो उस वहाँ पर डिस्पेंसरी खुलवा दी, एक क्वार्टर लेके नीचे का, वो आज भी खुली हुई है, आज भी बिल्डिंग नहीं बनी है, और शायद भगवान ईश्वर चाहता होगा किसके हाथों से बनना है बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन वो क्वार्टर में आज भी इम्पॉसिबल काम था जो, वो मैंने किया और डिस्पेंसरी आज भी चल रही है। विकास के बिहार को बहाने के बाद बनी है बरखा शुक्ला सिंह, जिन्होंने यहाँ पे विकास के लिए जल की आपूर्ति आज नहीं, आज से 40 वर्ष पूर्व जल क्रांति के जरिए इन्होंने यहाँ पे वसंत विहार एवं वसंत गांव में जल आपूर्ति करने में इनका एक साहसिक कदम रहा। राजनीति इनकी विरासत नहीं, विकास की प्यार बहाना इनकी एक आदत में बनी हुई है। हम लोगों ने देखा बातचीत के दरमियान यह बात खुलकर आ रही है कि जनता के विश्वास का नाम वर्षा शुक्ला सिंह किन आधारों पर होता है। मैम यहाँ पे आपके प्रदेश दिल्ली में आने वाला चुनाव बहुत ही निकट है विधानसभा का, हम लोग यह आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, इनकी यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैंडेट एक इनको मिला था, अब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे क्या योजनाएं परियोजनाएं हैं जिसे लेके आप चुनावी मंजर में जाएंगे, और आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के हक में कैसे मतदान होगा। यहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के टिकट के लिए पास भी फ्री किया गया है, तो यहाँ पे क्या लगता है आप भाजपा के अपने एजेंडा प्रोपेगेंडा क्या होंगे जिसे आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए हमारा एजेंडा है विकास जनता के लिए। हमारे मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो अनऑथोराइज कॉलोनीज जो हमारे यहाँ हैं उनको रेगुलराइज करने का जो लोकसभा से बिल पास हुआ है सबसे बड़ा मुद्दा वो है। उसके अलावा मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि केजरीवाल साहब ने 4.5 साल गुजर गए
जब वो शुरू में आए थे तब उन्होंने कहा था महिला सुरक्षा, पानी फ्री, बिजली फ्री, बसों में कमांडो ये लगाना और डार्क एरियाज में लाइटिंग लाइट सीसीटीवी लगाना, कैमरे सीसीटीवी लगाना, कैमरास 5,000 लगाना, प्लस स्कूल हाँ खोलना, स्कूल खोलना, डिस्पेंसरी खोलना, ये सारे उनके वादे थे जो उन्होंने कुछ नहीं किए। 4.5 साल तक वो बल्कि उल्टा ही करते रहे, कभी जाके वहाँ उस पर लेट गए, जाके राजपथ पे जाके लेट गए, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। अचानक से देखिए जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता खास करके बहुत होशियार है और वो समझती है कि इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आपने बस फ्री कर दी, आपने पानी फ्री कर दिया, आपने बिजली फ्री कर दी, आपने बसों में औरतों की यात्रा फ्री कर दी, आपने जो था अब महिलाओं को आप जो है वो बसों में तीरथ करवा रहे हैं, ट्रेनों में तीरथ करवा रहे हैं। ये जो तीरथ करवा रहे हैं ये पैसा बेसिकली ये MCD का पैसा है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। इन्होंने 2 साल से MCD को कोई फंड नहीं दिया है, उस हाँ, फंड ये भी को एक ऐतिहासिक चूक है जिसे यहाँ के निगम पार्षद लोग बता रहे हैं कि इनके फंड को रिलीज नहीं किया गया। बिल्कुल 2 साल से MCD को कोई फंड नहीं दिया गया है और उस पैसे को ये जनता को गुमराह करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो MCD के पास पैसा नहीं है, उनकी पेंशन वगैरह रुकी हुई है। तो ये 4-3 महीने पहले ही आपको अचानक से नींद खुली कि अब चूंकि इलेक्शन आ गया है और उनको ये इलेक्शन वो समझ रहे हैं कि मैं इसके बहाने बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सत्ता वापसी के ये रास्ते बनेंगे, सत्ता वापसी का रास्ता वो बना रहे हैं। पर मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है और वो समझती है कि अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए ये सारी चीज़ें फ्री की जा रही हैं और आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। एक आपके पास रहा एक सवाल हमारी पार्टी का, तो देखिए हमारी पार्टी ने राम मंदिर का मसला हल किया, 370 हटाया, ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी उसको उन्होंने किया, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को भी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को किया गया है जो मुस्लिम समुदाय के लिए, बिल्कुल मुस्लिम महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, बोलने की ताकत नहीं थी जिनके अंदर, आज वो औरतें बाहर निकल के बोल रही हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, ये उनकी वजह से हुआ। और उसके अलावा हमारा मुद्दा, हमारी पार्टी का मुद्दा है विकास, जो और केजरीवाल की ये जो झूठ की झूठ का जो पुलिंदा वो लेके घूम रहे हैं और इस समय सब कुछ फ्री करना, ये करना, वो करना और सारा गवर्नमेंट का पैसा, ये कोई उनके अपने घर का पैसा नहीं है, ये सब की हम सब की टैक्स मनी है, जो MCD में पैसा जाना चाहिए, काउंसलरों को पैसा जाना चाहिए, वो पैसा आप तीरथ करवा रहे हैं, महिलाओं को बसें भेज रहे हैं, मतलब शायद आप कहना चाहती हैं कि इस बार दिल्ली की जनता इन चीज़ों से टोपी पहनने से इनकार कर देगी। मैम आपको क्या लगता है? आपको पिछले इलेक्शन में इन्होंने टोपी लगाई थी, इस बार जनता इनको टोपी पहनाएगी कि ये रही आपकी टोपी, आप पहनिए और वापस जाइए। अच्छा, एक बड़ा जनादेश इनको मिला था, एक नई पार्टी बनी और इतना बड़ा जनादेश मिला, इसका असर क्या था, इसका आधार क्या था, आपको क्या लगता है? देखिए एक्चुअली अन्ना हजारे साहब का आंदोलन, जिससे कि हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, तो जिस तरह से अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल करी थी उसमें ये भी वहाँ पे बैठे थे और उस उन्होंने अन्ना जी ने कहा था हमारी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम कोई किसी तरह की वो नहीं करेंगे, उनका एक ही नारा था कि हमें जो उनकी डिमांड थी लोकपाल, मतलब केंद्र जी, लोकपाल की नियुक्ति, सिर्फ इतना उनका नारा था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन केजरीवाल चूंकि ये शुरू से बहुत होशियार और स्टैटिकल माइंड के, हाँ, चतुर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये बढ़िया टाइम है, इसको कैश करा लिया जाए। तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के आप देखेंगे कि इनकी पार्टी में जितने अच्छे लोग थे, जितने भी बढ़िया लोग थे, चाहे वो खुद अन्ना हजारे हों, चाहे अन्ना हजारे हों, डॉक्टर आनंद रहे हों, कुमार विश्वास रहे हों,
कपिल मिश्रा रहे हूँ। कपिल मिश्रा रहे हूँ और अपने और भी ये अभी छोड़ के गए हैं, योगेंद्र यादव जी थे, ये सब बड़े अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग और जो राष्ट्र हित के लिए जुड़े थे संघ। लेकिन आप ये कहना चाहती हैं कि अब वहाँ पे विरोधाभास होने से पार्टी में ही टूट फूट की स्तर बन चुकी है। वो सब इनको इनके कर्मों की वजह से वो सब इन्हें छोड़ के चले गए और इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और एक बार बनाई उसमें फिर इन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया, वहाँ वापस सरकार टूट गई, वो 49 दिन की गवर्नमेंट इनकी जो थी 49 दिन की तो वो इन्होंने बनाई। उसके बाद ये इन्होंने इतना ड्रामा किया कि राजपथ पे लेट रहे हैं, यहाँ लेट रहे हैं, वहाँ लेट रहे हैं। अनुभवहीनता आप कहना चाहते हैं? अनुभवहीनता बिल्कुल, पॉलिटिकल तो है ही नहीं ये, लेकिन इन्होंने सोचा था पब्लिक जो है इसको मूर्ख बन जाएगी और वो हुआ जी। मैम यहाँ पे चुनाव आने वाला है, इससे लेकर आप मीडिया नई सुबह के माध्यम से जनता से क्या अनुरोध एवं उनसे क्या आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसी पार्टी को चुनिए जो पार्टी आपके लिए काम करे, आपके आपकी इच्छा आपके जो बुनियादी ज़रूरी काम है। आज तक इनके किसी में कोई आप बताइए कोई काम हुआ है नया सिवाय इसके कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो मैं लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप इनके बिल्कुल बहकावे में ना आए, क्योंकि इन्होंने अब ये जो 4 महीने पहले ये सब तिकड़म शुरू करी है, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री और तीर्थ यात्रा पे भी लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, लेकिन पब्लिक के पैसे, गरीबों के पैसे को मार के नहीं होना चाहिए। अगर उनकी अपनी सामर्थ्य है तो वो ज़रूर यात्रा कराएं, यात्रा कराना एक बहुत अच्छा काम है और मैं इसको अच्छा कहूँगी कि मगर इस उस पे नहीं कि आप एमसीडी के काउंसलरों का पैसा दबा के बैठ जाएं और उसको इन कामों में खर्च करें। तो ये केजरीवाल जी के बारे में मैंने आपको बताया है और आशा करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप लोग, मैं बरखा सिंह आपसे अनुरोध करती हूँ कि इनको आने वाले इलेक्शन में आप लोग इनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। ख़ास करके मैं और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैंने देखा है काम नहीं हुआ है, आरकेपुरम में कोई न सीवर, पानी, सड़क, बिजली कोई काम नहीं हुआ, अब जो है वो सब फ्री हो रहा है क्योंकि इलेक्शन 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है। तो आंखें खोलिए और देखिए कौन आपके लिए अच्छा है, आप उसको वोट करें। वी विल कम अगेन बैक इन आवर प्रोग्राम एज द वर्का शुक्ला सिंह हैज वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड पासिंग चिली कमेंट ऑन द वे एडेप्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली बाय एलिजिंग दैट दे आर नॉट कंप्लाइंग देयर प्रॉमिसेस व्हाट दे हैड मेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द अन्ना हजारे आंदोलन for the welfareness and to concern the widely development of the Delhi All Assembly constituency. We will come again back. Thank you.